त्रिपुरा यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमिस्टर रूम सुरुना खरगसा त्रिपुरा जुग प्रोफेसर भूपेश देवबर्मा रूम पिक्साप्रे खाइजाखे कक्तमा हेबा कक्तमान खानगै गोबांमा स्टूडेंट अर्गनाइजेशन थांगै नायखा तई ओ त्रिपुरा जुग रूम फ्रेक जानी गमियों खा तेलेमुराने कक्तमा कक्तमा सैमा का त्रिपुरा जुग रूम फ्रेक जाना ब कलेज एवं यूनिवर्सिटी सामानियागल यूनिवर्सिटी बड़ा कौन एक्शन नई है कक्तमा मैंने दिन रखी प्रश्न न्यूज चैनल में बिछते बोल कुछ किया है गलत किया है इसलिए वो नहीं आ रहे डायरेक्ट बोल रहे हैं ना बहन बोल रहे डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ एक गलत हुआ है यहाँ पे और हम अभी बी पी के सारे कार्यकर्ता हैं और एनजाइटी हुई है और अभी हम जा रहे हैं सारे लोग और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लोग कुछ भी नहीं कर रहे ना वी सी आए अभी तक बाहर भी नहीं आए अभी तक ठीक है बच्चा बीमार है सुबह से कुछ खाना नहीं खाया उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी उसको अस्पताल भेज के उसका पहले इलाज कराना है उसको ठीक करना है उसके बाद में हम सब हैं उसके साथ सर इसके साथ और एक बात है ये बच्चा हेरेस्ट हुआ है सर बिल्कुल हुआ है ठीक है ये भी इंक्लूड कीजिए सर उसके लिए आपके क्या अभी शाम को 6 बजे के आसपास ये लड़की आई थी और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे उससे मिलने के लिए तो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई थी तो हमने उसने कुछ कुछ बताया कि उसके साथ में कुछ किसी टीचर ने कोई बात किया है तो हमने कंसर्न टीचर को उनके एचओडी को तुरंत बुलाया और इमिजिएटली उसके बारे में पहले फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश की तो उससे पहले वो दोनों जो है फैकल्टी साहब आए प्रोफेसर साहब चेयर से जैसे ही वो ऑफिस पहुँचे बच्ची की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई तो क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना कि कहीं पता चला उसके बच्चे के सुबह से एग्ज़ाम था उसने कुछ खाया भी नहीं था तो उसका तबीयत पहले अपने हेल्थ सेंटर में चेकअप कराया उसके बाद में हम उसको यहाँ लेकर के आए हैं और वाइस चांसलर साहब ने इस बात को एश्योर किया है कि एज पर रूल जो भी कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा एंड वी सर हैज पर्सनली टेकन इंटरेस्ट इन दिस मैटर एंड ही विल पर्सनली सी टू इट दैट नो नथिंग रॉन्ग कैन हैपन विद एनी ऑफ अवर स्टूडेंट वी आर कमिटेड वी आर गार्जियन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ जो प्रोफेसर है उसके साथ आपको बात हुआ क्या अभी उनसे बात नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले कि वो आते बच्ची की थोड़ा तबीयत खराब हो गई तो सबसे ज़्यादा जरूरी था कि बच्ची के हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखते तो हम इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के आए हम खुद आए मैडम जो उनके एचओडी मैम हैं वो खुद आई हैं और सारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी के डीएस डीएन डीन स्टूडेंट वेलफेयर हमारे साथ हैं तो अभी सबसे पहले तो बच्ची का ध्यान रखना है और जब वो बच्ची ठीक कंडीशन में हो जाएगी बात करने के लिए तो एज पर रूल्स हम उसके बारे में बात करेंगे और मीडिया को बोलने से आप लोग मना किया था क्या यहाँ पर आप लोगों का कोई घोटालाबाजी चल रहा है नहीं नहीं मीडिया से बात करने का कोई भी मना नहीं किया जो भी आए हमने पहले सोचा कि पहले हम तो बात कर लें उसके बाद मीडिया से भी बात करें मीडिया से बात करने के लिए किसी ने कोई मना ही नहीं हुआ मीडिया से तो हम खुद जो है ना यदि अच्छी बात है हमारा लड़की के साथ आपकी बातचीत हुआ क्या लड़की बहुत घबराई हुई थी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हुआ पर जो थोड़ा समझ में आया कि वो उसका वाइवा था और एक प्रोफेसर साहब के बारे में वो थोड़ा सा बात कर रही थी पर डिटेल क्या था वो अभी हमें समझ नहीं आया तो वो समझने के लिए ही हमने प्रोफेसर साहब को ही बुलाया उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब को ही बुलाया कि आमने सामने बात हो पता चले सच क्या है जब तक हमें सच नहीं पता होगा तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते कितनी देर बातचीत को अपनी लड़की के साथ लड़की के साथ तो 5 मिनट के आसपास बात हुई होगी जैसे ही लगा कि हाँ कुछ बात है तो हमने इमीडिएटली प्रोफेसर साहब को बुलाया प्रोफेसर साहब शहर में रहते हैं आने में उनको 15-20 मिनट का समय लगा वो तो जैसे ही आए बच्ची की तबीयत जो है थोड़ा बिगड़ने लगी सर इंसिडेंट तो, दोपहर को हुआ था सर नहीं बच्ची ने हमें अभी इसी वक्त बताया दोपहर को वो बोल रही है कि वो अपने घर चली गई थी घर जाने के बाद उसने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया बट अथॉरिटीज़ को अभी पता चला वाइस चांसलर साहब ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाया हम भी वहाँ थे
और HOD मैम ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के मैटर क्या है उसको समझने की कोशिश की, और वो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, बहुत वुमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं, तो कोई भी ऐसा कुछ गलत ना हो मैम हमारे साथ हैं और मैम पर्सनली देख रही हैं कि कुछ भी गलत हुआ होगा तो मैं आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूँ कि कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा, और वाइस चांसलर साहब ने कमिटमेंट दिया है कि किसी की भी गलती होगी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, और जो भी एज पर रूल प्रोसीजर होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि ये ICC का केस होता है, कोई भी बात हो वो ICC में जाएगी और हम इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट अभी कम से कम हमें बच्ची से पता चले हुआ क्या है, अभी तो वो समझाने के जैसे ही बात करते हैं वो घबराने लगती है, तो पहले समझना पड़ेगा कि उसके साथ अभी क्या हुआ है, तो जैसे ही पता चलेगा हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे।